Osmanlı'nın yıkılışıyla barış ve huzur iklimini kaybeden pek çok coğrafya gibi Filistin toprakları da zulümle, acıyla, kanla yıkanıyor. आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल तक जो तमाम चीजों को फेक बताने पर तुले हुए थे अब उनके सामने पूरे सबूत सामने आ रहे हैं। एर्दोगन के ऐलान से इजराइल के बेंजिम नेतन्याहू में खौफ पैदा हो गया है, जहां एर्दोगन ने पहले भी अंदरूनी तरीके से फिलिस्तीन को मदद पहुंचाई है जिसके तमाम चीजें सामने आई पर उन चीजों को नकारते चले गए ये बताते हुए कुछ चवन्नी छाप आकर के इस चीज को फेक बताया। तुर्की का खुल करके समर्थन फिलिस्तीनियों के लिए सामने आ गया है और अपनी फोर्सेस को लेकर के उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि वो अपनी फोर्स को फिलिस्तीन भेजने के लिए तैयार हैं। पर इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगन की तरफ से जो ये बातें सामने आई हैं, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। बुगुन दे तेकरार हतिरलातियोरुम 84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Osmanlı'nın yıkılışıyla barış ve huzur iklimini kaybeden pek çok coğrafya gibi Filistin toprakları da zulümle, acıyla, kanla yıkanıyor. तो दोस्तों आपने देखा कि तुर्की की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है और इस ऐलान से जो है एक युद्ध का बहुत बड़े लेवल पर माहौल बनेगा, क्योंकि लोग ये मांग कर रहे थे कि एर्दोगन ने ये ऐलान पहले क्यों नहीं करा, एर्दोगन खुल करके सामने पहले क्यों नहीं आए, सिर्फ हवा हवाई बातें कर रहे थे। पर हवा हवाई बातें नहीं, यहां अंदरूनी तरीके से मदद फिलिस्तीन को पहुंच रही थी। जो फिलिस्तीन को मदद पहुंची उसने इसराइल में क्या तबाही मचाई, जिसका जिक्र इसराइली मीडिया भी चीख चीख करके कर रहा है कि ये तुर्की के ड्रोन थे जिसका हम पर हमला किया गया, तमाम चीजें। और 8 दिन से लगातार जो है मुकाबला फिलिस्तीन इसराइल से कर रहा है, उस इसराइल से जो डंके की चोट पर 6 दिन में 6 कंट्रीज को खत्म करने की बात करता था और आज फिलिस्तीनियों ने उसे पानी पिला दिया है, क्योंकि फिलिस्तीन में भारी नुकसान हो रहा है ये दुनिया जानती है। और जो सीरियाई जो खासतौर पर इसराइल की आतंकी सेना अंजाम दे रही है उसे पूरी दुनिया आतंकी घटना कह रही है, बता भी रही है। और अब जब तुर्की के जो सैनिक हैं वो फिलिस्तीन पहुंचेंगे तो इसका इंपैक्ट किस तरह से पड़ेगा, इन चीजों को लेकर के भी मैं अगली रिपोर्ट में आप लोगों के सामने हाजिर होता रहूंगा। फिलहाल ये खबर जो है एक बड़े लेवल पर निकल करके सामने आई है, जिससे अब राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगन जो कदम उठा रहे हैं उन्हें मुस्लिम दुनिया में खलीफा बनने से अब शायद कोई ही ताकत रोक पाएगी।